हेलो गाइस, दिस इज रवि राज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आप सभी को मल्टी क्लोथ कलर चेंजिंग। गाइस, यहां पर आप अपनी टी शर्ट या फिर कोट या फिर बलियान का मतलब एक भी वीडियो में इतने ज्यादा कलर चेंज कैसे कर सकते हो इस बंदे के जैसा, जैसे कि इसके कोट में जो है मतलब बहुत सारे एक ही वीडियो में कलर चेंजिंग हो रही है। तो गाइस, ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हो बहुत सी आसान तरीका बताऊंगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पर आपको वीडियो को शूट कैसे करना है। So guys, वीडियो को ऐसे शूट करना है आपके बैकग्राउंड में जो आपकी टी शर्ट का कलर है ना, वो कुछ भी उसके कलर का नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ भी चीज पहन रहे हो मतलब एक कलर की होनी चाहिए, उसके कलर की आप कोई और चीज बैकग्राउंड में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका भी कलर संग ही चेंज होगा। गाइज, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रियाज की एक वीडियो को, गाइज देख सकते हो, इसमें कलर चेंजिंग नहीं हो रही है। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कैसे इसका कलर चेंज करके, मल्टी कलर चेंज करके। इस वीडियो को आपको इसको एंड तक देख लेना है। और गाइज, एडिटिंग है काइन मास्टर एप्लीकेशन से, तो सीधे ही काइन मास्टर में। लेकिन गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को जरूर से ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलते हैं सीधे ही काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो गाइस, काइन मास्टर एप्लीकेशन में आने के बाद में आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9060 का रेशो सेलेक्ट करना है। एंड गाइस, यहां पर आपको मीडिया पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। एंड इसको आपको जितना बड़ा आपको वीडियो उतना कर लेना है। ओके गाइस, मैंने 13 सेकंड का कर लिया है। अब आपको लेयर पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर लेयर से मीडिया से आपको अपनी वीडियो लेकर आनी है, जिस वीडियो को आप कलर चेंज करना चाहते हो टी शर्ट का। तो मैं यहाँ पर एक रियाज की जो वीडियो है मैंने यहाँ पर ले लिए गाइस, और इस वीडियो को मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि इसमें बिल्कुल भी कलर चेंजिंग नहीं है। तो इस वीडियो को ऊपर वाली जो गाइस ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है वीडियो के बराबर कर लीजिए आप इसको। तो मैंने यहाँ पर देखो वीडियो को बराबर कर लिया। ओके गाइस, इतना करने के बाद में गाइस अब इसको आप फुल पर्दे में कर दीजिए। तो मैं भी इसको फुल पर्दे में कर देता हूँ। ओके गाइस, फुल पर्दे में कर दिया। अब वीडियो को उस पोजीशन पर ले जाइए गाइस जहाँ से आप अपनी मतलब कलर चेंजिंग करना चाहते हो अपनी टी शर्ट में। तो देखो यहाँ पर मैंने रोक लिया है। ओके, अब गाइस आपको नीचे वाली लेयर पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर गाइस आपको कैची का निशान पर क्लिक करना है, एंड स्लिप एट प्लेहेट कर देना है। ओके, इससे गाइस आपकी वीडियो जो कट हो गई बीच में से, ठीक है। अब गाइस आपको ऊपर वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, एंड यहाँ कैची के निशान पर क्लिक करना है, स्लिप एट प्लेहेट कर देना है। ओके गाइस, अब क्या करना है गाइस, ध्यान से देखना है वीडियो को। एंड गाइस, आपको जो है मतलब जहां तक वीडियो में कलर चेंज चाहिए एक, तो वहां तक आपको रोक लेना है, एंड ऊपर वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और बैकग्राउंड का जो है यहां पर स्लिप्ड एट प्लेहेड कर देना है। अब गाइस देखो, पहले वीडियो को देख लेना, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक जो बीच में बन चुका है ना, इसमें गाइस आपको कलर करना है। तो इस पे बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पर कलर के निशान पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप जो सा भी कलर चाहते हो ना वो कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखो मैंने एक कलर कर दिया। ओके, इसी तरीका से आपको पार्ट बना लेने हैं, पार्ट यहाँ पर बना लेने हैं, मतलब छोटे छोटे जितना आप मतलब वीडियो के हिसाब से बनाना है, ये कहाँ से आप कहाँ से कहाँ तक एक कलर चाहते हो उसके बाद में दूसरा पार्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको इसका कलर जो है मतलब इसका भी चेंज कर देना है, इसका भी मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। देखो मैं इसको बना लेता हूं, जितने पार्ट पहले मुझे बनाने हैं ना उतने बना लेता हूं, और कलर इसका मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। अभी जितने मैं कलर यहां पर करूंगा ना उतने ज्यादा अपने आपकी टी शर्ट में कलर चेंज होंगे गाइस, देख लेना अभी तुम। मैं यहां पर पहले ये पार्ट्स बना लेना आप सभी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार में हम एडिटिंग कर लेंगे पूरी। तो यहाँ पर देखो मैंने अब हरा कर लिया। ओके गाइस, इतना कर लिया मैंने। अब गाइस आपको जितना आपका बड़ा वीडियो है ना उतना बना लीजिए, इतने पार्ट बना लीजिए इसमें। मैं यहाँ पर देखो सभी कर लेता हूँ तेजी से, यहाँ पर जौन सा मुझे कलर चाहिए। ओके देखो मैंने यहाँ पर वीडियो के बराबर ओके इतना मैं कर लेता हूँ। तो गाइस ओके, मैंने सभी देखो बहुत सारे पार्ट बना लिए हैं। अब गाइस आपको करना क्या है, नीचे वाली लेयर पर क्लिक करना है, एंड गाइस आपको नीचे क्रोमा की का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है, क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड की कलर्स पर क्लिक करना है। एंड यहां पर आपका जो टी शर्ट का कलर है वो नहीं आ रहा है ना, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, मेरा तो आ रहा है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो टी शर्ट का जैसा कलर है वैसा आ रहा है। अब यहाँ से आपको इसको ऑन कर देना है, ऑन जैसे ही करोगे तो गाइस यहाँ पर आपका जो है कलर चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर देखो एडजस्ट ठीक से नहीं हुआ है अभी। तो गाइस आपको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो थोड़ी सी मतलब यहाँ पर क्रोमा की जो दिखाई दे रही है ना, इसको एडजस्ट करना है ठीक से, ताकि आपका मतलब टी शर्ट जो है उसका ही कलर चेंज हो और आपकी बाकी कोई और चीज़ का कलर चेंज ना हो। तो देखो मैं यहाँ पर ठीक से कर देता हूँ इसको एडजस्ट। तो यहाँ पर देखो इससे भी आप एडजस्ट कर सकते हो अच्छे से। तो देखो अब गाइस हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। अभी गाइस देखो हमारी एक कलर चेंज होगा गाइस, यहाँ से देखो कुछ और कलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से
हमारा एक कलर चेंज हो गया। अब देखो मैं वीडियो को प्ले करके आपको, सबसे पहले मैं वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, एक कलर चेंज हुआ। ओके गाइस, आप देख सकते हो वीडियो कितनी कूल बन चुकी है, यहाँ पर कितने कलर चेंजिंग हो रही है गाइस। आप जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी कर सकते हो। और गाइस हाँ, आपको एक काम और करना है यहाँ पर गाइस, अगर आप चाहते हो मतलब उसके जैसा बिल्कुल ट्रांजिशन आए चेंज होने में, मतलब थोड़ा मद्दा होकर ट्रांजिशन हो, तो गाइस आप इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा एंड आपको ये गाइस आपके सबके में मिल जाता है, ये क्लासिक ट्रांजिशन एंड इस वाले पर क्लिक कीजिए, फेड वाले पर। एंड यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो ये कलर जो आ रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, आप कोई सा भी इसमें कलर एक चूज कर लीजिए, मैं रेड कर लेता हूँ। ओके, अब गाइस यहाँ पर क्या होगा गाइस, जैसे ही आपका दूसरा कलर चेंज हुआ ना, तो इस तरीके से होगा, देखो मैं लेकर के दिखा देता हूँ, इस तरीका से होगा, मतलब थोड़ा सा बीच में रुकेगा और चेंज होगा। आप इसकी टाइम लाइन भी थोड़ी सी ठीक कर सकते हो जल्दी में, तो आप जो है हर एक में ऐसा कर दीजिएगा ना, तो आपकी वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल बनने वाली है गाइस। देख सकते हो कितनी मतलब अच्छे तरीका से वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। ओके सो गाइस, जैसे कि यार आप सभी ने देखा हमने कितनी आसान तरीके से क्लोथ कलर चेंजिंग वाली वीडियो बना ली है। तो गाइस आई होप दिस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो, घंटी के निशान को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कोई नई वीडियो में, तो टाटा बाय बाय एंड लव यू, टेक केयर।